इस तरह मेरे सामने रोगी तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा। मत आए, इन आंसुओं के सिवा मेरे पास कुछ बचा नहीं है। ऐसा तो मत कहो। फिर और क्या कहो, थक गई हूँ चेहरे पर ये झूठी मुस्कुराहट से जाने बोझ लगने लगी है ये जिंदगी। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? फिर और क्या करूं, मालिक मकान की बातें मैं सुनती हूँ सही साहब, उन्हीं से तो मैं मिलने भी नहीं देती, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे वो बातें जो बातें करता है, जब मुझे मेरी औकात बताता है तो रोज छलनी होती है मेरी। कितना किराया है इस मकान का? 20,000। 60,000 देना है उसका। अम्मा पर भी बोझ बन के पड़ी हुई हूँ, नफरत से होने लगी है जिंदगी से। पागलों वाली बातें मत करो मारू, मैं तो तुम्हें 60,000 दे जाऊंगा, इस मालिक मकान के ना मुंह पे मार। जी अब तो खुश हो जा। सईद साहब मैं आपसे एहसान नहीं ले सकती। ये एहसान नहीं है मारूख, मेरी मजबूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी से प्यार करो, और उसके लिए 60,000 तो क्या, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना तो मैं दे दूंगा। सईद साहब आप किस तरह क्यों नहीं समझते? सईद साहब नहीं, सिर्फ सईद, इतनी तो इनायत कर दो अब के मेरे नाम के साथ साहब कहना छोड़ दो। अगर अम्मी को पता चला सईद तो डांटेंगी, वो तो चाहती नहीं थी कि आपको भनक भी पड़े इस बात की। नहीं मैं मना लूंगा, बस तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी नहीं रहोगी, और कभी भी कोई भी परेशानी होगी फौरन मुझे बताओ, वादा करो बस। क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स तुम्हारे आए हैं, और मुझे लग रहा है इतने अच्छे मार्क्स मेरे आए हैं। अब तो तुम खुश हो ना? क्या मतलब तुमने इतने अच्छे मार्क्स मेरी खातिर लाए हैं? तुम पिछली बार नाराज जो हो गई थी। थैंक यू, लेकिन अपनी कामयाबी पे सबसे ज्यादा खुश होने का हक तुम्हारा है। मैं भी बहुत खुश हूँ। गुड, बस इसी तरह तुमने रूबी की बातों की परवाह नहीं करनी। कैंटीन चले? मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ। ठीक है। तुम शायद मेरी बात समझी नहीं, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे आगे निकलने का, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। क्या करोगी तुम? मुझसे आगे निकलने की बजाय मेरे पीछे भागोगी, मुझसे माफी मांगोगी तुम, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सुन लिया रूबी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अंदाजा तो तुम्हें हो ही जाएगा कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती।